हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंदिरा कॉलोनी के गवर्नर और 28 स्कूल और चौथी क्लास और पढ़ने वाले 8 साल के सन्नी को उन सबके क्लास टीचर जरिए बुरी तरह पीटने का आरोप उन सबके पिता ने लगाया है। पिता विनोद का कहना है कि क्लास टीचर पवन ने उन सबके मुंह पर इतने थप्पड़ और मुक्के मारे कि उन सबके दांत और दाढ़ तलक टूट गए। बच्चे की हालात इतनी गंभीर थी कि उसे सेक्टर के सरकारी अस्पताल और भर्ती करवाना पड़ा है। विनोद ने बताया कि सन्नी की हालात इतनी गंभीर थी कि वह 4 दिन तलक बोल ही नहीं सका। वीरवार शाम को अस्पताल और सन्नी ने कुछ बोलना शुरू किया। विनोद ने बताया कि घटना शनिवार की है। आरोप लगाया कि स्कूल और क्लास के दौरान टीचर ने उन सबके बेटे सन्नी को बुरी तरह पीटा। सन्नी का कसूर केवल इतना था कि टीचर के पढ़ाने के दौरान बाहर जाते ही वह पीछे बैठे छात्र करण से हमी पेंसिल लेने गया था। क्या इनकी करण उसकी पेंसिल उठाकर ले गया था। इसी दौरान टीचर पवन ने आकर बच्चे को मारना शुरू कर दिया। पिता का कहना कि उन सबके बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा गया कि उन सबके दांत और दाढ़ तलक तोड़ दी। पिता का कहना है कि इसकी शिकायत वो पुलिस को शुक्रवार को देंगे। क्या इनकी पिछले 5 दिन से वह सेक्टर के अस्पताल और इलाज करवाने और जुटे हुए थे, लेकिन अब सन्नी कुछ बोलने लगा है तो वह अब इसकी शिकायत पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को देंगे। वहीं स्कूल के हेड टीचर शशि कुमार का कहना है कि टीचर ने बच्चे को नहीं मारा, बच्चे की दाढ़ और फले से ही दर्द था। क्लास के दौरान सन्नी के उठकर पीछे जाने पर उसका दूसरे बच्चे से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उन सबके दाढ़ और समस्या आ गई। सन्नी को जाड़ और दर्द होने पर टीचर पवन ही जख्मी बच्चे को उठाकर ही अस्पताल और ले गया। उन सबके बाद वह खुद और अन्य टीचर वीरवार तलक अस्पताल और जाकर बच्चे का हालचाल लेते रहे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।